लागू करने की मांग को लेकर रविवार को आदिवासी केंद्रीय सरना समिति के बैनर तले पैदल मार्च निकाला गया, जो सरूल मैदान से निकलकर रेलवे स्टेशन मैदान में पहुंचकर सभा में बदल गई। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता सोनू केशी की यह खास रिपोर्ट। आदिवासियों का सरना कोड लागू कर, इस उद्घोष के साथ रविवार को सैकड़ों आदिवासी महिला पुरुष बैनर थामे सड़कों पर निकले, अपनी मांगों को पूरा किए जाने की मांग भारत सरकार से करते हुए इनके द्वारा 31 को रेल रोड चक्का जाम करने की भी आवाज बुलंद की गई। वक्ताओं ने कहा कि अपने सरना कोड की मांग काफी पुरानी है, इसे तत्काल लागू किया जाना चाहिए, नहीं तो देश भर से आदिवासी देश की राजधानी में जुटकर अपनी आवाज बुलंद करेंगे। 3 माह से हम पहले ही यह कर रहे हैं, पर केंद्र इस पर गंभीर नहीं है, जिस कारण से यह आक्रोश फूटा। लंबे समय से आंदोलन चल रहे सरना कोड को लेकर, लेकिन केंद्र सरकार अभी तक कोई पहल नहीं कर पाई है। समाज का कहना था कि केंद्र सरकार आदिवासी का अस्तित्व बचाने के लिए सरना कोड की पहल करे या समाज से वार्तालाप करे, लेकिन 3 महीने गुजरने के बाद भी सरकार तरफ से ना कोई पहल की जा रही है, ना कोई शब्द बोल रही है। आज उसी के आक्रोश पे आदिवासी समाज पुनः केंद्र सरकार बस मैसेज पहुंचाना चाहती है कि आदिवासी का अस्तित्व बचाने के लिए आप इस पे पहल करें। अगर केंद्र सरकार अगर पहल नहीं करती है तो आदिवासी समाज केंद्र सरकार के खिलाफ वोट का बिहुल फूकेगा और केंद्र सरकार को हर से फर्श तक पहुंचाने का काम करेगा।